हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का सिविक्स का सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्यों चाहिए होता था और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें क्यों चाहिए। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और उसमें हमने बहुत सारे लॉज देखे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्यों सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। और कैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना और कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लिए गए, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखो, ये जो ओवरव्यू है ना, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एक बार रीड कर लेना क्योंकि हमें चैप्टर करना है जल्दी से ख़त्म। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो अब हम देखेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साउथ अफ्रीका में है। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो अब एक जो इंसान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला की पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है। तो वो कहते हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन की तरफ ना लड़ाई की है, और एक तरफ से कोई कहता है कि मैंने ब्लैक डोमिनेशन की तरफ लड़ाई की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो अब मैंने जितने भी आइडियाज़ है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, उन सबको लिया है, एक फ्री सोसाइटी वाले आइडियाज़ को लिया है जिसमें कि हम सारे इंसान एक साथ शांति से खुशी खुशी रह सकेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। तो ये एक आइडियल है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी कंट्री में रहूँ और जो मैं अचीव भी करना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं तैयार हूँ कि मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन ये आइडियल तो आना ही चाहिए। तो ये कहा है किसने? नेल्सन मंडेला ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो दिस वॉज नेल्सन मंडेला बींग ट्राइड फॉर ट्रेजरिंग बाई द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया है, जिनको ट्रेजरिंग के लिए अरेस्ट किया गया था वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब आप पूछोगे ट्रेजरिंग क्या होता है। जब भी आप ना किसी गवर्नमेंट को अपोज करते हो ना, तो गवर्नमेंट अपने आप को, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो वो आपका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में डलवा देते हैं, उनको आत्महत्या करवा देते हैं या फिर उनको सूली पर चढ़ा देते हैं ना, वैसे ही इनको भी ट्रेजन के केस पे लेके गए थे। He and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. तो इसके साथ और भी सात लोग थे जो लीडर्स थे, उनको सेंटेंस क्या दिया गया था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, मतलब जीवन भर जेल में रहने का। कब दिया था? 1964 में। और क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रेजाइम को अपोज किया था, मतलब जो एक रेजाइम इन्होंने बनाया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, जो कि वाइट्स के साथ में था, मतलब वाइट्स के साथ था और वो ब्लैक्स के खिलाफ था। तो अगर कोई भी ब्लैक कोई गलत काम करे, तो नहीं भी करे गलत काम, लेकिन वाइट्स को लगे कि ये गलत है उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो उन्हें जेल में डलवा दिया जाता था। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डियर ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड। तो उसने अपने जीवन के 28 साल रॉबन आइलैंड में बिताए थे, वो भी जेल के अंदर, जो कि सबसे बेकार जेल था, ड्रेडेड था। तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अब देखते हैं स्ट्रगल क्या होता है अपार्थाइड के अगेंस्ट में। तो चलिए देखते हैं। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये एक सिस्टम था जो कि यूनिक था साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आधे पार्ट्स को तो मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आधे पार्ट्स के लिए अलग था ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर्स के अगेंस्ट पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उसके लिए है ये।
द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. तो जो वाइट यूरोपियंस थे ना, उन्होंने ये जो सिस्टम है साउथ अफ्रीकन के लोगों के लिए डाल दिया था. मतलब जो यहाँ पे वाइट लोग जो थे वो कहीं और से आ रहे थे, यूरोपियंस थे वो, और ये जो इन पे ये अपार्थाइड सिस्टम लगाया था वो साउथ अफ्रीकन्स थे. आपको वैसे भी पता है साउथ अफ्रीकन का नेटिव कलर हमेशा ब्लैक ही रहता है, और यूरोपियंस वगैरह वाइट भी होते हैं. तो उन्होंने ये इन पे सिस्टम थोपा था. ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. तो 18th सेंचुरी पे जो ट्रेडिंग कंपनी थी ना, जैसे कि हमारे इंडिया की भी आपने हिस्ट्री देखी थी पिछले ही साल की, कैसे उन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और कैसे कैसे बंगाल वगैरह सबसे उनको जैसे जैसे मिलता गया वो पूरे इंडिया पे उन्होंने रूल कर लिया था. वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेडिंग कंपनी आई थी और उन्होंने इन पे रूल करना शुरू कर दिया था, मतलब झगड़े वगैरह बैटल्स के बाद. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. लेकिन इंडिया के जैसा ही नहीं, थोड़ा सा अलग भी है इंडिया से, क्योंकि बहुत सारे वाइट पीपल जो हैं वो यहाँ आ गए हैं, सेटल हो गए हैं और लोकल लीडर्स बन गए हैं. दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. और इस सिस्टम में जो ये अपार्थाइड सिस्टम है, इस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कलर के आधार पर, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. जो भी साउथ अफ्रीका के नेटिव्स हैं वो तो हमें पता ही है ब्लैक होते हैं कलर में. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वे आर कॉल्ड ब्लैक्स. और ये लोग जो है, इनका नेटिव कंट्री है तो इन्होंने 3/4 पॉपुलेशन वहाँ की बना रखी है, और इन सबको क्या कहने लगे लोग, ब्लैक्स कहने लगे. देखो ब्लैक्स कहा जा रहा है उन्हें, मतलब एकदम कितनी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. उस जगह वो नहीं जा सकते, ये वाइट्स की है, वो ब्लैक्स की है. उनको सारी फैसिलिटीज़ अच्छी दी गई है वाइट्स को, सारी बेकार फैसिलिटीज़ ब्लैक्स को दी गई है. बिसाइड दिस टू ग्रुप्स दे वेयर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस हु वेयर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. और इन दोनों के अलावा ही, वाइट और ब्लैक के अलावा, वहाँ पे एक और है रेस जिसको हम कहते हैं जो इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से माइग्रेट होके आते हैं, जिनमें थोड़ा सा कलर होता है, मतलब पूरी तरीके से काले भी नहीं होते और ना ही पूरी तरीके से गोरे होते हैं, बीच में होते हैं. तो उनको क्या नाम दिया गया, कलर्ड. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फेरियर. जो वाइट रूलर्स थे, जितने भी नॉन वाइट्स हैं, उन सबको इन्फेरियर के रूप में ट्रीट करते थे, ठीक है. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. और जो वाइट नहीं है उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं है, मतलब जो रूलर, जो लीडर, जिनको भी हम चूज़ करेंगे वो हम नहीं चूज़ कर सकते हैं, ओनली वाइट पीपल चूज़ कर सकते हैं. तो देखो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, कैसे उन्होंने इनकी कंट्री पे अपना रूल कर लिया और वहीं के लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अपने आप को रूल कर रहे हैं बैठ के. द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली अप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. और जो ये अपार्थाइड सिस्टम है, पूरी तरीके से अपोज करने वाला था ब्लैक्स को, मतलब ब्लैक्स जो थे वो चाहते थे कि वो इसको अपोज करें, ख़त्म करें. दे वे फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. और उनको मना ही थी कि वो वाइट एरियाज में नहीं रह सकते हैं, साफ सुथरी स्वच्छ जगह पे नहीं रह सकते हैं, अच्छे से जहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह ये सारी जो जगह थी ना, ये वाइट एरियाज में आती थी, वो वहाँ नहीं रह सकते हैं. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट. और अगर अब उन्हें वाइट एरियाज में काम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या हो, परमिट हो, उन्हें एक परमिशन कार्ड मिलता था. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वेयर ऑल सेपरेटेड फॉर वाइट एंड ब्लैक्स. तो ये सारी जगह, जितनी भी जगह देखी, स्विमिंग पूल, थिएटर और पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, स्कूल, हॉस्पिटल, सब अलग थे, सेपरेटेड थे, ब्लैक्स के लिए अलग थे और वाइट्स के लिए अलग थे. और वाइट्स के लिए जो थे वो एकदम टॉप क्लास के होते थे, अच्छे से वेल फैसिलिटेड होते थे, और जो ब्लैक्स के लिए होते थे एकदम बेकार होते थे, अच्छे से इक्विप्ड भी नहीं होते थे. This was called segregation. और इसको क्या कहा गया, segregation, जहाँ पे separation हो रहा था, हर चीज़ में भेदभाव हो रहा था कलर्स के आधार पर.
they could not even visit the churches where the white worshipped. और वो churches पे भी visit नहीं कर सकते थे, उन churches पे जहाँ पे whites को worship करने के लिए भेजा जाता था, जहाँ whites अपनी पूजा करते थे. Worship means पूजा. Blacks could not form association or protest against the terrible treatment. और blacks जो है वो कोई association नहीं form कर सकते और इन terrible treatment के वो oppose भी नहीं कर सकते. ऐसा rule वहाँ का था. देखो कितना मतलब बुरा किया गया इनके साथ. Since 1950, the blacks, coloured and Indians fought against the apartheid system. तो 1950 के बाद से ही जो blacks, coloured या फिर Indians जो भी थे, सबने इसके पोजिशन में चले गए, सब इसके लिए फाइट करने लगे इसके अगेंस्ट में, अपार्थाइड सिस्टम के. दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस और स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. तो जो ये ANC पार्टी थी ना, ये वहाँ के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल किया इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, जो कि सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी, इसके अगेंस्ट में उन्होंने भी फाइट की, स्ट्रगल किया. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें बहुत सारी वर्कर यूनियंस भी थे और कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी. ठीक है. मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. और बहुत सारे वाइट्स ने भी, जो कि ये बुरा मानते थे, वो सोचते थे कि इनके साथ गलत हो रहा है, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया था और वो भी अगेंस्ट में थे अपार्थाइड सिस्टम के. तो मतलब सभी बेकार नहीं थे वाइट्स में, और उन्होंने बहुत सारे लीडिंग रोल भी प्ले किए. सेवरल कंट्रीज दे अनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, मतलब जितनी भी ये कंट्रीज थी, इन सब ने इसको डिनाउंस किया और कहा कि अपार्थाइड ये गलत था, अनजस्ट था, हमारे लिए ये सही नहीं था, भेदभाव पे, डिस्क्रिमिनेशन पे ये पूरी तरीके से था. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल. लेकिन जो वाइट के रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको नहीं माना और अभी भी वो टॉर्चर कर रहे थे, किल कर रहे थे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल को. ठीक है. टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये टॉपिक है ना, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो हमारा ये वीडियो आज का हो चुका है ख़त्म. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँ, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए मेक मोर वीडियोज़. अरे अभी तक नहीं लिखा, मैं सब देख रही हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, तभी वीडियो एंड होगा. ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.